ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, डाइसैकेराइड सुक्रोज मल्टोज, पॉलीसैकेराइड स्टार्च मंड। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत मक्का चावल गेहूं गन्ना और दूध शकरकंद। दूध में पाए जाने वाली शकरा लैक्टोज है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मक्का में। पौधों की कोशिका भित्ति पाई जाती है सेलुलोज। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है सोयाबीन, दाल, मछली, टमाटर, अंडा, सेव, पनीर आदि। प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है सोयाबीन में 43%। प्रोटीन की कमी में बच्चों में होने वाला रोग किसियो वकर। जल में घुलनशील विटामिन B6, वसा में घुलनशील विटामिन AD तथा E है। विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।